हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी आपके लिए, तो मैंने एक वीडियो 50 क्वेश्चन की डाल दीजिए, आप देख लीजिए कैसी आपको उसमें रेस्पॉन्स लगा है, ठीक है ना। और आपके क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं उसके। तो सबसे पहले फ्रेंड, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जीके के, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो तो मैं बोलूँगा ही, साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बोलूँगा मौखिक, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपके सामने, यूपी की राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। तो फ्रेंड, मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कल भी आपको बताया था, आज मैं फिर बोलता हूँ, डेली हम लोग बात करेंगे ताकि हम लोगों को दिमाग में याद हो जाए। या तो आप कॉपी लेके बैठिएगा या फिर माइंड को खोल कर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यूपी की राज्यपाल कौन है। तो यूपी की राज्यपाल दोस्तों सभी को पता होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और हर यूपी की नहीं, हर राज्य के राज्यपाल की आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य कब बना था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य बना था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है, पलाश। उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, अशोक। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, बारहसिंगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है, 403। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है, 80। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है, 100। और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी है, 31, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारी। चलिए, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। क्या है फ्रेंड, लखनऊ। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछता है, नीति आयोग के बारे में पूछता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। पहले ये योजना आयोग था, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है ना, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोई भी हो, नीति आयोग जो होता है, प्लानिंग नीति आयोग, अब जो नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो भी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। चौथा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। 50 क्वेश्चन होंगे, चिंता मत करिए, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन की सीरीज डेली आती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, 32,87,263 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड, 32,87,263 किलोमीटर। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की जो उत्तर, सबसे उत्तर जो जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट है उत्तर का, उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल। वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फ्रेंड जो सीरीज़ है वो डेली बेसिस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है, चाहे वो SSC JEE हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी आ सकता है, ठीक है ना। वैसे यूपी के एग्ज़ाम में तो यूपी की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, और MTS हो, ग्रुप D हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो जो भारत का सबसे उत्तर जो बिंदु है उसको बोलते हैं वो इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार में, उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। और जो उत्तर में है उसको बोला जाता है किबितू, और जो पश्चिम में है उसको बोला बोला जाता है गोरे माता। क्या बोला जाता है, गोरे माता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भारत के बारे में, ठीक है। भारत क्या है, एक तरह का प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। क्या होता है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में आता है। किस में आता है, एशिया महाद्वीप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के साथ 7 देशों की कंट्रियों की सीमाएँ टच होती हैं। कितने देशों की कंट्रियों की सीमाएँ टच होती हैं, 7 कंट्रियों की सीमा टच होती हैं। एक पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा भारत से टच होती है,
ठीक है, अफगानिस्तान से टच होने वाला राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान चार राज्यों से सीमा साझा करता है भारत की, कितनी, चार राज्यों से। मैं ढेर सारे क्वेश्चन बता दूंगा आपको इसी में, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल से, ठीक है। चार राज्य, चार राज्य कौन से हैं, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, और राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और पाकिस्तान से भूटान है, नेपाल है, ठीक है, बांग्लादेश है, चाइना है, ठीक है, और म्यांमार भी है। ये सारी कंट्रीज जो हैं, सात, टोटल सात कंट्रीज जो हैं वो भारत के क्षेत्र, जो भारत को टच कर रही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा था, भारत का क्षेत्रफल जो है कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में किस किस नंबर पे आता है, भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में किस नंबर पे आता है। तो फ्रेंड जो भारत है वो पूरे विश्व में किस नंबर पे आता है, सातवें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, सातवें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आता है, रशिया, पहले नंबर पे कौन आता है, रशिया, दूसरा कनाडा, दूसरा क्या आता है, कनाडा, तीसरा कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, तीसरा कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से चलते 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 हमारा जो भारत है वो सातवें पोजिशन पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत से ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, भारत से ऊपर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, कौन सा है, वेटिकन सिटी। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। और क्वेश्चन सिक्स कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, तो उसमें भारत का नंबर क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो भारत का जो नंबर है फ्रेंड वो है, बहुत ही खराब स्थिति है, 144वां नंबर है भारत का, 153 आउट ऑफ 153 कंट्रीज में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान के पीएम कौन है, इमरान खान, कौन है, इमरान खान, ठीक है। तो उनकी जो देश की कंडीशन है वो हमसे ज़्यादा खुश देश है, उनकी 66 या 65वीं नंबर आया है पाकिस्तान का, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑपरेशन संजीवनी, अभी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं फ्रेंड, इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 7 है ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी किस, भारत और किस राज्य से ऑपरेशन संजीवनी हो रहा है। तो फ्रेंड ड्यू टू द कोरोना वायरस डिजीजेज, इसने तो नागमदम कर रखी है सभी के, हमारे ही नहीं सभी देशों के, आई होप फ्रेंड ये जल्दी ख़त्म हो कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी और सभी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, तमाम दुनिया की बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये जल्दी ही ख़त्म हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव की मदद करी है, ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया है इसको, ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है, और मालदीव और इंडिया के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मालदीव की कैपिटल क्या है, मेल, क्या है, मेल, ठीक है। ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला किससे, ये भी दोस्तों ऑपरेशन वनीला किस देश से था, मेडागास्कर और इंडिया, क्या है, मेडागास्कर और इंडिया के बीच में ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8 कौन सा था, क्वेश्चन 8वां था ऑपरेशन वनीला किस देश के साथ है, मेडागास्कर और इंडिया। क्वेश्चन 9 है होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, होम्योपैथी दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। मैं देख लूँ फ्रेंड, आपको दिखाई दे रहा है, चलिए तो कब मनाया जाता है विश्व बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 क्वेश्चन है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है भारत में, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी का जो जन्म दिवस हुआ था, गांधी जी का जन्म दिवस कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, ठीक है ना, तो उसी दिन को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब भारत आए थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है ना, और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था, 1917 में। खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ना, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है सारे, महात्मा गांधी जी द्वारा किए हुए सारे आंदोलन है, ठीक है। कपड़ा मंत्री, क्वेश्चन 12 है कपड़ा में, भारत की कपड़ा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत की क्लोथ मिनिस्टर कौन है, यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, तो
श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी, क्या नाम है इनका, श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी, ये भारत की कपड़ा मंत्री है। 13वां क्वेश्चन है, कानून मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, वर्तमान में लॉ मिनिस्टर भारत के कौन है, तो फ्रेंड वर्तमान में लॉ मिनिस्टर है भारत के रविशंकर प्रसाद। कौन है फ्रेंड, रविशंकर प्रसाद जी भारत में वर्तमान के लॉ मिनिस्टर हैं। ये लॉ मिनिस्टर के साथ साथ भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं। कौन है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, रविशंकर प्रसाद जी के पास, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, रेल मंत्री भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है फ्रेंड, पीयूष गोयल जी भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोयला मंत्री भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, पेट्रोलियम मंत्री कौन है भारत के, पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो पेट्रोलियम मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है भारत के पेट्रोलियम मंत्री, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री कौन है, क्वेश्चन 16 है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह जी, ठीक है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री भारत के कौन है, कौन है, राजनाथ सिंह, कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। भारत के खेल मंत्री कौन है, क्वेश्चन 17 है, भारत के खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं। आई होप फ्रेंड आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, ये सारे डेली बेसिस के क्वेश्चन है, डेली एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को ये वो क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन 18 है, भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, तो फ्रेंड भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, क्या है, थिम्पू राजधानी है, हमारा नेबरिंग कंट्री है भूटान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी घूमने का मौका मिले तो भूटान जाना, ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा भारत भी ब्यूटीफुल है लेकिन भूटान भी घूम कर आइएगा, ठीक है, कभी नौकरी लग जाए फिर, ठीक है। क्वेश्चन 19, नौकरी लगे ना लगे, कभी भी पैसा है तब चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नौकरी नहीं लगेगी तो जाओगे नहीं क्या घूमने कहीं ना कहीं, चलिए। क्वेश्चन 19 है, भूटान के राजा कौन है, भूटान के राजा कौन है, भूटान के राजा है लोटे शेरिंग, भूटान के जो पीएम है वो है लोटे शेरिंग, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, क्या है फ्रेंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध है फ्रेंड महानदी पर, कहाँ पर है, महानदी पर। हीराकुंड किस राज्य में पड़ता है, हीराकुंड उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध फ्रेंड कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाती है फ्रेंड मुझसे बोलने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइएगा कि गलती हो गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं उसको क्लियर करा दूंगा। भाखड़ा नंगल बांध फ्रेंड कहाँ पर है, सतलज रिवर पर, ठीक है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 25 है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम का नाम बताइए मुझे आप, क्या नाम है उत्तराखंड के सीएम का, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है ना। उत्तराखंड की गवर्नर का क्या नाम है, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है फ्रेंड, देहरादून। अभी एक कैपिटल नई बनी थी गैरसेड़, समर कैपिटल थी गैरसेड़, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैरसेड़, ठीक है। 21 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है, नेपाल के पीएम कौन है, नेपाल के पीएम कौन है, तो नेपाल के पीएम फ्रेंड कौन है, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, केपी शर्मा ओली। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्क को $10 मिलियन दिया था ना COVID-19 की महामारी से लड़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, $10 मिलियन, ठीक है। IMF इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड, IMF इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। गीता गोपीनाथ जी का आपने नाम सुना होगा, क्रिस्टीना जॉर्जवा इसके अभी हेड हैं, और गीता गोपीनाथ भी हमारी भारतीय मूल की इसकी सहायक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
IMF, अभी इसके COVID-19 महामारी का भी हेड बने हैं रघुराम राजन जी, जो हमारे भारत के पूर्व RBI गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड कहाँ पर है WHO का? WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसके हेड कौन है? टेड्रोस। कौन है फ्रेंड? टेड्रोस करके इसके हेड हैं WHO के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को कई बार मनाया जाता है, कई बार क्या, हर प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, इफको IFFCO इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी अभी अभी हाल ही में हेड बनी है, जिनका नाम है अनामिका रॉय। करंट अफेयर है करंट, ठीक है ना। स्थापना 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी इफको की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1 अप्रैल 1935, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। कितने नंबर के? आजकल नंबर भी पूछा जा रहा है एग्जाम में, किस नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास? तो 25 नंबर में गवर्नर के हैं शक्तिकांत दास, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, RBI के पहले गवर्नर कौन थे स्वतंत्रता से पहले 1935 में? तो क्या नाम है पहले गवर्नर का? नाम है ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम है? ओसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के पहले RBI के गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958। कब हुई थी? 1958। नासा, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड? वॉशिंगटन DC में। नासा क्या है? एक नासा एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में, 1958 में, ठीक है ना। इसके हेड कौन है वर्तमान में? जी सतीश रेड्डी साहब DRDO के हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या करती है संस्था ये? ये संस्था डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है ना, हमारे देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। कब हुई थी फ्रेंड? 1969। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? KC1। कौन है? KC1। चलिए आई होप आपको फ्रेंड क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, भारत में कहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो कहाँ पर है फ्रेंड? क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 31 है, असम CM कौन है? असम के CM कौन है? तो पहले तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? सर्वानंद सोनेवाल। कौन है फ्रेंड? सर्वानंद सोनेवाल। चलिए क्वेश्चन 32 की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनी हुई है फ्रेंड? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके उपलक्ष्य में बनी हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भारत के आयरन मैन लोह पुरुष, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की? 183 मीटर की। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर की है, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? गुजरात में। 33वां क्वेश्चन है, पंचायत, हमारे भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल पंचायत का गठन करने को कहता है? तो आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आर्टिकल 40 पंचायत, त्रिस्तरीय गठन होता है पंचायत का, ठीक है ना, त्रिस्तरीय, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर और ग्राम लेवल पर, ठीक है। चलिए 34 क्वेश्चन है, बोलने का अधिकार, भारतीय संविधान में बोलने का अधिकार या प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड किस आर्टिकल में है? आप बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है किसी को, देश को हानि हो, इंडिया को हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोलो हद में, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 कहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी नेता के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हो, लेकिन गलत नहीं, ठीक है, आर्टिकल 19। 35वां क्वेश्चन कैसा है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन यानी अपने अपने क्षेत्र की शासन व्यवस्था होती है ना, तो उसका स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन को किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक
कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 36 है, हड़प नीति यानी कि डॉक्टर ऑफ लैब्स ये किस के समय हुई थी, डॉक्टर ऑफ लैब्स हड़प नीति। ठीक है, तो वो क्या क्या होता था, लॉर्ड डलहौजी, किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन 37 है, 1857 की क्रांति हुई थी तो वो उस समय वो कौन था, वॉयसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में ही तो हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन है, काकोरी रेल क्रांति, वो क्रांति थी कांड नहीं था। ठीक है, काकोरी रेल क्रांति तो वो कब हुई थी, 1925 में हुई थी। कब हुई थी, 1925 में हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती बोलो क्रांति, क्रांति बोलेंगे हम उसे। ठीक है ना, और उसके हेड कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए किया गया था, पैसों के लिए, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, एक्चुअली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का आपने नाम सुना होगा, संस्था का, जिससे भगत सिंह भी जुड़े हुए थे, फिर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया था। तो कोई भी संगठन चलाने के लिए फ्रेंड पैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो पैसा करने के लिए पैसा, और वो जो ट्रेन में जा रहा था वो हमारा भारतीयों का ही पैसा था, किसी और का पैसा नहीं था, वही उन्होंने चुराया था। ठीक है, चुराया क्या था, वो हमारा हक ही था, ये समझ लीजिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी कब हुई थी फ्रेंड, तो इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी, और 23 मार्च को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए एक सेकेंड, चलिए हमारा क्वेश्चन 40 है, भारत आज़ाद कब हुआ था, तो भारत आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। 14 अगस्त को फ्रेंड पाकिस्तान अपना आज़ाद दिवस मनाता है, 15 अगस्त को हम लोग अपना आज़ाद दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम रेल फ्रेंड कब चली थी, तो भारत में सर्वप्रथम 41 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत में रेल जो चली थी सर्वप्रथम वो 1853 में चली थी। कब चली थी, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी का शासन था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी 1853। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी फ्रेंड, तो मुंबई से ठाणे चली थी। कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42 है, प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, तो प्रथम महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान दिल्ली की। ठीक है, इसका इनके पति कौन थे, रजिया सुल्तान के, अल्तुनिया, कौन थे, अल्तुनिया। चलिए क्वेश्चन 43 कहता है, जिंदा पीर के नाम से किस राजा को जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था, तो फ्रेंड जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। किसको जाना जाता था, औरंगजेब। औरंगजेब कौन था, सांझा का पुत्र। ठीक है, टोपी सीकर वो जीता था, टोपी सीकर। चलिए क्वेश्चन 44 है, सिकंदर महान आया था विश्व विजय जीतने के लिए, तो झेलम का युद्ध हुआ था सन 361 BC में, झेलम का युद्ध, जिसको राजा पोरस के विरुद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध। ठीक है, उसको वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, इसको हाइडेस्तनपीस का युद्ध भी बोला जाता है, हाइडेस्तनपीस का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, भूटान का नेशनल गेम क्या है, भूटान का नेशनल गेम क्या है, तो फ्रेंड भूटान का नेशनल गेम क्या है, तीरंदाजी। क्या है फ्रेंड, तीरंदाजी। क्वेश्चन 46 है, चाइना का नेशनल गेम क्या है, टेबल टेनिस। क्या है फ्रेंड, टेबल टेनिस। ठीक है, क्वेश्चन 47 कहता है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। क्या है फ्रेंड, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। और स्पेन एक पहला ऐसा देश है जिसमें अखबार किस पे छपता है, कपड़े पे। किस पे छपता है, कपड़े पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेन की वहाँ पे नेशनल गेम क्या है, बुल फाइटिंग। क्वेश्चन 48 है, पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है, हॉकी। पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है, हॉकी। क्वेश्चन 49 है, यूएसए का नेशनल गेम क्या है, बेसबॉल। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC। ठीक है, क्वेश्चन 50 है, लास्ट क्वेश्चन, रशिया का नेशनल गेम क्या है, रूस की कैपिटल क्या है फ्रेंड, मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की जो नेशनल गेम है, बैंडी क्या, एक तरह का आइस हॉकी है। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको कैसे लगे क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है ना, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, अब वो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा फ्रेंड। ठीक है ना, और आपको कैसे क्वेश्चन लगे, इसी तरीके की क्वेश्चन सीरीज आपके 50 मार्क्स की चला करेगी। ठीक है ना, तो
जो फ्रेंड नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड। और अपने वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलें, अगर कोई गलती हो गई हो तो फ्रेंड माफ़ करिएगा और आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और कैसे लगे ये बताइएगा और अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिएगा और हाथ धोइएगा अच्छी तरीके से। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।